माफिया अतीक अहमद को कौन नहीं जानता। जरायम के रास्ते से लेकर सियासत के मैदान तक हर जगह अतीक ने अपने बाहुबल के दम पर बुलंदियों के झंडे गाड़ रखे हैं। अतीक का शरीर भले ही कानून के पिंजरे में बंद है, लेकिन दिमाग यूपी की सियासत में उथल पुथल मचा रहा है, जिसका नजारा आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बगल में बैठी ये महिला अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है। शाइस्ता पहली बार कैमरे पर दिखी है, लेकिन अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता ने सियासत में बवंडर मचा दिया है। शाइस्ता ने अयोध्या में ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM की सदस्यता ली और सबके सामने अतीक अहमद का वो पत्र पढ़ दिया जिससे यूपी के मुसलमानों में ओवैसी का प्रभाव बढ़ जाएगा। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। पत्नी शाइस्ता को मैदान में उतार कर अतीक जेल में रहते हुए यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि अतीक और शाइस्ता का निकाह सन 1996 में हुआ था, लेकिन आज तक कभी शाइस्ता को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। अतीक इससे पहले भी कई चुनाव जेल से लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी पत्नी को आगे करना उनका बड़ा दांव माना जा रहा है। अतीक प्रयागराज सहित यूपी के मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसे में ओवैसी का यह दांव समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है। अतीक की लोकप्रियता को भुनाने के लिए ओवैसी ने शाइस्ता परवीन से पूरे यूपी में प्रचार कराने का प्लान बनाया है, जिसकी शुरुआत सुल्तानपुर जिले से हो गई है, जहां पर AIMIM के मंच से शाइस्ता परवीन ने अतीक की बात मुसलमानों को सुनाई। वो एक हिंदुस्तान में भारी शख्सियत है जो हुकूमत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता है। अगर कौम का दर्द न होता तो ओवैसी साहब अपना घर, अपने बच्चे और अपना सुकून छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में रात दिन मेहनत कर रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।